इसको, सबका इस करे। ये होटल है जहाँ पे हम कल रात को रुके हुए थे। मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह का रूम है, ये डबल बेड है, तीन लोग सो सकते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा गद्दे डाले हुए यहाँ पे, और एसी है लगा हुआ, और बाथरूम यहाँ पे गीजर नहीं है, ठंडा गर्म पानी लिखा हुआ था बट गीजर नहीं है। मॉर्निंग में यहाँ पे हल्का ठंडा था। अभी सारा सामान जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं फिलहाल रेडी हो चुका हूँ। और ये सामने इतना बड़ा सा मिरर है जो होटल मेरे पीछे दिख रहा है, अभी वो मिला 1500 रुपये में एसी के साथ। अगर यहाँ पे आप लॉज वगैरह है लोकल के 500 रुपये से रूम मिलेगा आपको स्टार्टिंग, और नॉन एसी का कुछ 1200 रुपये, एसी होटल का है 1500 रुपये एक्स्ट्रा। अगर आप बेड वगैरह चाहिए 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये जो सामने यहाँ पे झाड़ दिख रहा है, लोग शाम को आए थे यहाँ पे, बहुत पंछी रहते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेन चौराहा है, एक बार विजिट करना। जब यहाँ पे झाड़ है ना, बहुत सारे पंछी आते हैं, शाम के टाइम उसकी आवाज़ सुनने मिलेगी। छोटा सा मार्केट आस पास में, और ये सामने दिख रहा है ये विलेज चाय। पहले चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तुल्य हाँ जो भी अभी यार यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चाय पीना, बहुत अच्छी चाय मिलती है। मैंने कल रात में पिया था, इस तरह का सेटअप है। यहाँ से आपको पहले टोकन लेना है, इसके बाद आपको चाय पीनी है। यहाँ पर टोकन देना है। अगर आप ये वाली चाय वगैरह में ट्राई करेंगे चाय वाई के अंदर, तो आपको 35-40 रुपीज़ में पड़ेगा। 10 रुपीज़ का है, यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ चहा 10 रुपये, बहुत टेस्टी है। ये सामने होटल दिख रहा है, यहाँ से कुछ 300-400 मीटर दूर मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आगे एक गाड़ी वगैरह है जो पार्किंग होटल का वहाँ तक अलाउड है, बाकी दिन में शायद गाड़ी अंदर लेते नहीं रहेगा, बाइक वगैरह पार्किंग मिल जाता है। और इस तरफ जितना भी दिख रहा है एरिया, छोटी छोटी गाय यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे होटल है। पहले होटल का जो लॉज लिखा हुआ सामने, उनका सेटअप ऐसा रहता है कि अगर आपको नीचे बेड डाल के सोना है तो आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा। बड़ा कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ा एसी चाहिए तो 1500 तक मिलेगा। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल एलसी ट्रैवलर्स में। आज हम आपको तुलजा भवानी मंदिर दिखाएंगे वीडियो में, इसे तुलजा भवानी जिसे दुर्गा माता भी कहते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में आया हुआ फिलहाल, और ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। अगर आप सोलापुर से जाओगे तो आपको 45 किलोमीटर जितना दूर पड़ेगा, और ये 12वीं सदी का बहुत पुराना मंदिर है। ये जितने भी 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये दूसरे नंबर पे आता है। ये मंदिर की तरफ से ट्रस्ट बना हुआ, यहाँ पे भी है मंदिर, आपको रूम वगैरह मिलेगा वहाँ पे। और ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री मानी है अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ से ये पंडित जी से आप मिलना, आपका अभिषेक पूजा सब करा के देंगे। तुम्हारे तो देता ना करा के मैं। आपसे जाली रहता हाँ, यहाँ से आपको पास ले रहे, यहाँ से लाइन में लगना है, वो रजिस्ट्रेशन होता है। और महिलाओं के लिए पावती मिलेगी, आपको फोटो स्कैन किया जाएगा, और यहाँ से है गेट, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। इसके अंदर की तरफ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मंदिर की तरफ भी अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं है, तो यहाँ तक ही रिकॉर्ड होगा। वैसे जो भवानी माता जी होते हैं, जो राजपूत लोग जितने भी हैं उनके भी कुलदेवी होती है, और जब भी एक स्कंद पुराण में भी ये लिखा हुआ कि जब यहाँ पे शिवाजी महाराज आए थे तो मंदिर दर्शन के लिए आए थे, तो जो भवानी माता जी प्रसन्न हुए थे उनके ऊपर, और उसको अपने हाथों से उसको तलवार दी थी। अगर आप मुंबई से बाई रोड जाएंगे तो आपको पड़ेगा ये 440 किलोमीटर पड़ेगा, और ये 8 घंटा 11 मिनट 15 मिनट जितना ये रास्ता आपको लंबा है, और मुंबई हाईवे से आपको जाना है, और बीच में पुणे होते हुए सोलापुर रोड पे आपको जाना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी अच्छा है।
दर्शन फाइनली हो गए हमारे। यहाँ पे कुछ थाली का सिस्टम है, पूजा अगर आप करानी है तो आपको डायरेक्ट अगर दर्शन करने मुख दर्शन वो बाहर से होगा, मूर्ति का दर्शन रहेगा। अगर आपको नज़दीक से दर्शन करना है तो आपको अभिषेक का जो पास होता है उसका पर पर्सन 50 रुपीज़ होता है, पे करना रहता है। अगर आप एक से ज़्यादा लोग भी साथ में हैं तो आप ग्रुप में साथ में आ जाएं, एक जन का 50 रुपये पे करो, बाकी लोगों को लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अलग अलग जाओगे तो पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ से पंडित जी अगर साथ में अगर आप आएंगे तो आपका डायरेक्ट दर्शन होगा। 500 के आसपास पूजा होती है, नॉर्मल पूजा होती है, इसमें खाली रहता है और थोड़ा सा सामान रहता है। अगर आपको सारी लगानी साथ में तो 1200 तक पड़ता है, मार्केटिंग करो तो कम हो जाएगा। तो ये है मेन बात, यहाँ से आगे रिकॉर्डिंग मेरा अलाउड नहीं है। हमारा यहाँ पे पूजा हो गई है, यात्रा हमारी खत्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भवानी।